फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के चैलेंज ऑफ द वीक सीरीज में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल होने वाली है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि हर रोज की तरह हम कुछ नया सीखेंगे, नॉलेजेबल सीखेंगे, साथ ही साथ आपको मौका मिल सकता है 3 मंथ्स का अनलिमिटेड अकाउंट जीतने का भी। तो अपने आप में आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग टू द एंड बने रहिएगा, इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है। चलिए, बट बिफोर आई स्टार्ट एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप लोग परेशान हो चुके हो, नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करें, समझ नहीं आ रहा कि अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, गलतियाँ कर रहे हैं इधर उधर, कोई बताने वाला नहीं है, करेक्ट करने वाला नहीं है, तो इन सारी समस्याओं का क्या समाधान है? तो समाधान बताऊँ, एक ही समाधान, वो है हमारा अनलिमिटेड अकाउंट हमारे ऐप पे। तो दोस्तों, सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए हमारा नमस्ते इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से, उसके बाद आपको ज्वाइन करना है हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। फ़ायदा क्या होगा? आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पे आप बोलोगे, गलतियाँ करोगे तो आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा सॉफ्टवेयर की साइड से, जो कि आपको करेक्ट भी करेगा। तो अपने आप में यूनिक फीचर है, फ़ायदा उठाइए इस फीचर का, क्योंकि आपके दोस्तों के पास इतना समय नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि किसी के साथ बातचीत करो फ्लुएंसी गेन करने के लिए, राइट? बिकॉज फॉर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, आई वुड से प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस एटलीस्ट सिंगल टाइम अ डे, हाउ यू विल बी गेनिंग कॉन्फिडेंस, हाउ? तो ये चीज़ जो है समझिए आप, और ज्वाइन कीजिए हमारा लिमिटेड अकाउंट। चलिए, अब लास्ट वीक के क्वेश्चन के बारे में जो है बात कर लेते हैं। लास्ट वीक का क्वेश्चन क्या था वो जानेंगे, फिर लकी विनर का नाम अनाउंस कर दूंगा मैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए क्वेश्चन जो है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो लास्ट वीक का क्वेश्चन क्या था कि ही इज केयरिंग नेचर। अब दोस्तों, ही इज केयरिंग नेचर, इसका मतलब क्या हुआ है? केयरिंग नेचर है, बिल्कुल गलत है। तो अब देखिए, सेंटेंस क्या होता है कि वह बहुत ही केयर करने वाला है, ठीक है? केयर करने वाला मतलब हो गया कि बहुत देखभाल करता है लोगों की। मैंने आपको ये हिंदी में हिंट दिया था, ठीक है? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं होती, बट आपको ये कहा था मैंने कि ही इज केयरिंग नेचर, ये सेंटेंस दिया था और कहा था इसमें कोई चीज मिसिंग है, आपको ऐड करना है, अगर याद हो आपको तो। अदरवाइज आप पीछे वाली वीडियो जो है जाके देख भी सकते हो, और जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा अच्छे से, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी, केयर एक वर्ब है, और वर्ब जो है अगर केयरिंग की फॉर्म में यूज हुआ है तो यहाँ पे एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ, फिर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। वैसे केयरिंग जो है आपका जीरण के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, आपका हो सकता है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। क्यों? नेचर कैसा है? केयरिंग। जैसे आप कहते हो ना कि घोड़ा कैसा है? काला, काला घोड़ा। नेचर कैसा है? केयरिंग नेचर है, ठीक है? तो अब केयरिंग से पहले आपको जो यूज करना था कि वह केयरिंग नेचर का है, का के लिए क्या यूज करते हो? ऑफ यूज किया? नहीं। तो यही तो एरर था सेंटेंस में, जो कि ऐड करना था आपको, क्योंकि अगर सेंटेंस कंप्लीट ना हो तो उसे एरर माना जाता है कि भाई यहाँ पे एरर है, डू करेक्ट, करेक्ट करो जल्दी से, बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एरर था। और करेक्ट आंसर क्या होगा? ही इज ऑफ केयरिंग नेचर, या फिर आप बोल सकते हो कि वही फीमेल है तो शी इज ऑफ केयरिंग नेचर। नई चीज पता चली? अगर नई चीज पता चली तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अभी से। चलिए, अब लकी विनर का नाम अनाउंस करने का टाइम आ गया है। कई लोगों ने ट्राई किया है, बट शिवांग जी आप बने हो हमारे लकी विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप बने हो हमारे लकी विनर। आपको अगर अपना प्राइस क्लेम करना है तो सिंपल सा स्टेप है, सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा नमस्ते इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से, उसके बाद आपको care@incoach.com पे अपना प्राइस क्लेम करते हुए मेल करना है, ठीक है? चलिए, अब इस वीक का क्वेश्चन जो है जान लेते हैं। बाकी सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे एक लोगों को, एक व्यक्ति को अगर मिला है प्राइस, तो हो सकता है कि अब की बार इस वीक का क्वेश्चन सॉल्व करके आप बन जाओ हमारे लकी विनर, ठीक है? तो तैयार रहिए, क्या पता आप ही हो हमारे लकी विनर नेक्स्ट टाइम पे। यस यू। चलिए, इस वीक का क्वेश्चन क्या है कि शी डज नॉट लाइक्स अस, शी डज नॉट लाइक्स अस, ये सेंटेंस है आपका, आपके लिए, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके बताना है और बन जाना है लकी विनर नेक्स्ट वीक का। तैयार हैं आप सभी? तो जाइए कमेंट सेक्शन को भर दीजिए अपने आंसर से, करेक्ट आंसर से विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीक ऐसे ही एक जोश से भरे हुए सेशन के साथ।
अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, बट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई एंड अप हियर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।